हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं वाईफाई दोस्त चैनल। जी हां दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि अभी रियल सैमसंग गैलेक्सी A41 में हो सकता है यह प्रोसेसर। जी हां दोस्तों, जो सैमसंग गैलेक्सी A41 जो लॉन्च होने वाला है उसके बारे में कुछ जानकारी मिली है, तो मैं सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A41 को बेंचमार्क साइट गिगवेज पर लिस्ट किया गया है, जिसमें इसके कई स्पेसिफिकेशन सार्वजनिक हो गए हैं। लिस्टिंग से पता चला है कि फ़ोन में मीडियाटेक हेलियो P65 प्रोसेसर, 4 GB रैम होंगे। गैलेक्सी एस सीरीज के इस फ़ोन के बारे में कई बारे जानकारी पहले भी लीक हो चुकी है। इसमें 64 GB इनबिल्ट स्टोरेज दिए जाने की उम्मीद है। इस सैमसंग गैलेक्सी A41 में 3 रियर कैमरे दिए जाने की जानकारी मिली है। पिछले हिस्से पर 48 MP का प्राइमरी कैमरा, 25 MP का सेकेंडरी कैमरा और मैक्रो लेंस के साथ 2 MP का तीसरा कैमरा होगा। सैमसंग के इस फ़ोन को गिग बेच पर SM A41 F5F मॉडल नंबर के साथ लिस्ट किया गया है। लिस्टिंग से पता चलता है कि फ़ोन एंड्रॉयड 10 सॉफ्टवेयर और 4 GB रैम होंगे। सैमसंग गैलेक्सी A41 को होलियो P65 प्रोसेसर के साथ लिस्ट किया गया है। इसके अलावा गिग बेच लिस्ट से फ़ोन के बारे में और कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज के 2 स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A51 और सैमसंग गैलेक्सी A71 बीते साल ही लॉन्च हुए थे। इस सीरीज के और फ़ोन 2020 में लाए जाएंगे। सैमसंग गैलेक्सी A41 बीते साल मार्च महीने में लॉन्च किए गए सैमसंग गैलेक्सी 40 का अपग्रेड होगा। नए फ़ोन में 3500 mAh की बैटरी दिए जाने की जानकारी पहले ही मिल चुकी है। याद रहे कि सैमसंग गैलेक्सी A40 को 3100 mAh की बैटरी के साथ मार्केट में उतारा गया था। कैमरा डिस्पैच में भी अपग्रेड होगा। नया सैमसंग फ़ोन 3 रियर कैमरे के साथ आएगा। सैमसंग गैलेक्सी A41 को लॉन्च होने से पहले इंटरनेट पर और जानकारी लीक होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ सैमसंग जल्द ही अपने कई फ्लेक्सिव हैंडसेट से पर्दा उठाने वाली है। तो यह थी दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A41 के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।